हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस आर्ट। आई एम रीना जैन। फॉर लर्निंग फोटोशॉप फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट डेली वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड पैटर्न स्ट्रिप टेक्स्ट इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेट 1280 रखेंगे, हाइट 720 रखना है, पिक्सल्स में ही रखेंगे, रिजोल्यूशन 72 रखेंगे, कलर मोड आरजीबी कलर सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड कंटेंट्स व्हाइट सिलेक्टेड है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जीरो की प्रेस करेंगे। अब हमें बैकग्राउंड में ब्लैक कलर फिल करना है, तो आप देख सकते हैं मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेट है ऑलरेडी। अगर आपका नहीं है तो आपको डी की प्रेस करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। अब इसमें ब्लैक कलर फिल करने के लिए ऑल्ट की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसके लिए यहाँ से टाइप टूल सिलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट आप देख सकते हैं टाइमलाइन करके जो फॉन्ट है वो यूज कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो जो भी फॉन्ट आपको यूज करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी लाइंस। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है इसलिए शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और टेक्स्ट का कलर व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे। इसका हैश कोड आप देख सकते हैं 6F है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमें टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है, तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और फिर ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए कॉर्नर से ड्रैग करना है बाहर की तरफ। और अब इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब हम टेक्स्ट का फिल 0% कर लेंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इसे 0% करना है। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और अब टेक्स्ट वाली लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करना है और अब यहाँ से पैटर्न ओवरले का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ब्लेंड मोड नॉर्मल रखना है, ओपेसिटी 100% रखेंगे और पैटर्न चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब ये सेटिंग का जो आइकन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेचर पैटर्न्स इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ अपेंड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये और भी पैटर्न्स ऐड हो गए, तो मैं यहाँ से ये वाला पैटर्न सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्केल की वैल्यू 100% रखेंगे और लिंक विथ लेयर को चेक रखना है और अब ग्रेडियंट ओवरले का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्लेंड मोड नॉर्मल ही रखना है आपको, ओपेसिटी 100% रखेंगे और ग्रेडियंट हमें चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स करके जो ग्रेडियंट है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये डिफॉल्ट ग्रेडियंट होता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हमें कलर चेंज करना है, तो इसके लिए लेफ्ट वाले कलर स्टॉप पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लूंगी। आप जो भी कलर चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका हैश कोड आप देख सकते हैं 4F40 है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और अब राइट वाले कलर स्टॉप पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे 00FC6। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टाइल में आपको लीनियर ही रखना है और अलाइन विथ लेयर को चेक करेंगे। एंगल यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे और स्केल की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देंगे, 115% कर लेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा कलर एंड पैटर्न स्ट्रिप टेक्स्ट बन चुका है, लेकिन अगर आप कलर चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट में जाना है और फिर यहाँ ह्यू एंड सेचुरेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे सेचुरेशन की वैल्यू बढ़ानी है 100 कर लेंगे और अब इसे यहां से राइट में ड्रैग करेंगे। तो आपको जो भी कॉम्बिनेशन सही लगे वो रख सकते हैं। इसके बाद यहां पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।